नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एसके स्टॉक बॉक्स में। इस वीडियो के बनाने का जो पर्पस है, वो पर्पस जो है केवल और केवल ऐसे लोगों के लिए है, कोई भी ट्राई कर सकता है, कोई भी कर सकता है ये काम। पर्पस क्या है कि जो लोग ऑफिस गोइंग है या जो लोग सिस्टम पे बैठ नहीं सकते हमेशा, है ना, उनके लिए ये ट्रेड डिजाइन किया गया है। इस ट्रेड में ये पर मंथ के हिसाब का ट्रेड है, ये पर मंथ के हिसाब का ट्रेड है। इसमें आपको एक लेग जो है बाई करना है और चार लेग जो है सेल करना है। इसमें टोटल जो मार्जिन है वो आपकी लगेगी नियर अबाउट 1,70,000 की। 1,70,000 इसमें लगेंगे मार्जिन। तो ये ट्रेड काम कैसे करेगा? ये ट्रेड इस तरीके से काम करेगा कि आपको चार लेग सेल करने हैं, एक लेग बाय करने हैं। 1:4 का रेशियो हमेशा रहेगा। 1:4 का रेशियो जो है वो आपको हमेशा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस ट्रेड को ना देखा जाए और ये अपना काम करे? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दूर के ऑप्शन को, फार ओटीएम को, हम लोग सेल करते हैं और चार लॉट, ठीक है। और उससे पहले नियर अबाउट 1500, 1200 से 1500 पॉइंट नियर ओटीएम, उसके पहले हम लोग बाई करते हैं एक लॉट, ठीक है, और फिर हम इसको छोड़ देते हैं। इसको आप कॉल साइड या पुट साइड दोनों तरफ बना सकते हो या दोनों तरफ एक साथ भी डिप्लॉय कर सकते हो, बट आपकी जो इसमें मार्जिन है, मार्जिन जो है वो आपकी 1,70,000 लगनी ही लगनी है। ये उन लोगों के लिए है जो मैक्सिमम ऑफिस गोइंग पीपल हैं या जो सिस्टम पर बैठ नहीं सकते। इसमें लॉस जो है ऊपर की तरफ नॉमिनल है। नॉमिनल मीन टू से 2,000 रुपए से 3,000 रुपए, इससे ज्यादा का लॉस इसमें नहीं है। और प्रॉफिट जो है वो अभी आपको पता ही चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट चल रहेगा इसमें, है ना। और ये स्टडी जो है आपकी केवल और केवल आपके पेशेंस पर डिपेंड करती है। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, तो ये कभी भी मत समझिए कि एक महीने में, एक मंथ में आपको 20 से 25% रिटर्न मिल जाएगा। आपको एक एक सेलर जो होता है वो एक मॉडरेट मनी बनाता है, मॉडरेट मनी मतलब क्या, उसको अपनी टोटल कैपिटल का 1% या 2% चाहिए होता है और वो उसको मिल जाता है। जैसे कि आपने 1,70,000 रुपये लगाए, 1,70,000 का 2% कितना हुआ, नियर अबाउट 3,500 रुपए। इतना सेलर को मिलता है और सेलर अपना काम करके निकल जाता है। एक सेलर जो है एक 50 रुपए के वीकली ऑप्शन को जब बेचता है तो इस फ्राइडे से अगले थर्सडे तक वो, अगर निफ्टी के 50 रुपए का ऑप्शन बेच रहा है तो वो 2,500 रुपए कमाने की कोशिश करता है मात्र। बट एक जो बायर होता है वो 50 रुपए के ऑप्शन को बाई करके वो अनलिमिटेड पैसा बना लेता है अगर मार्केट उसके फेवर में जाता है। मान लीजिए उसका मार्केट में व्यू जो है वो अप है, तो उस 50 रुपए को 100 रुपए होने में एक एक दिन में टाइम नहीं लगता और वो तुरंत ही बना लेता है। डिपेंड करता है कि आपकी चार्ट रीडिंग और एनालिसिस
कितनी तगड़ी है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि हमेशा चार्ट को रीड करने पर ध्यान दीजिए, चार्ट को रीड करने पर ध्यान दीजिए। ये स्ट्रेटजी मैंने सितंबर मंथ में डिप्लॉय करके रखी है। ये स्ट्रेटजी मैंने 1:4 के रेशियो पे सितंबर मंथ में डिप्लॉय करके रखी है और इसमें अभी तक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। इसमें जो है अभी तक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसको किस तरीके से इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया जाएगा। आइए चलते हैं ऑप्स्ट्रा पर या चलते हैं सेंसिबल पे। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए हमको नियर अबाउट 1,70,000 रुपए की मार्जिन लगेगी, जो हमको एक मॉडरेट पैसा बना के देगी। कितना पैसा बना के देगी, क्या इसके रिस्क हैं, क्या इसके एब्रिवेशंस हैं, वो हम लोग अभी इसमें नोट डाउन करेंगे। तो सितंबर मंथ का चार्ट लगा, सितंबर मंथ की डेट एक्सपायरी मैंने सेलेक्ट कर ली है, सितंबर लास्ट की है। अब हम लोग इसमें क्या सेलेक्ट करेंगे, अब हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे 18,000 की पुट को हम लोग 4 लॉट सेल करेंगे। 18,000 की पुट को हम लोगों ने सेल कर दिया, ये हो गया 4 लॉट। ठीक है जी। अब अगर 4 लॉट सेल करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है 13,840 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है सितंबर मंथ की पुट को, ये 7 चौके 28। ठीक है। अब आइए इसमें एक बाई का भी लेग जोड़ते हैं, 19,450। इससे 1,500 पॉइंट पीछे 19,450 का हम लोग यहाँ पे एक लेग बाई कर लेते हैं, पुट का ही एक लेग बाई कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें प्रीमियम हमको कितना मिला, कितना देना पड़ा, पहले वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये नियर अबाउट आपका जो है 70 रुपए का प्रीमियम है 4 लॉट में, ये तो ये हो गया 70 × 4, 280 रुपए का हमने प्रीमियम लिया। ठीक है। और ये 350 का प्रीमियम है और इसको हम लोगों ने 1 लॉट बाई किया, 1 लॉट बाई किया। ठीक है। तो ये हो गया 349 रुपए, मोटा मोटा मान लीजिए 350 रुपए। ठीक है। 350 रुपए, तो कितने का हमारा इसमें लॉस है, 280 − 350, 280 और − 350 20, और 50 20 70 पॉइंट, 70 × Nifty के 50 लॉट, 3,500 का मैक्सिमम इसमें लॉस है। आप इसको भी अभी मैं आपको समझा दूंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो इसमें 3,500 का हमको टोटल ये दिखा रहा है कि अगर मार्केट हमारे उल्टा चला गया तो। अब आइए देखते हैं ये स्ट्रेटजी काम कैसे करेगी। देखिए ब्रेक इवन क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ 19,377, ये आपका ब्रेक इवन है 19,377। लेकिन अगर आप आगे जाओगे तो ये आपको वही दिखाएगा जो मैंने आपको 3,500 वाली जो कैलकुलेशन बताई है। 1 मिनट का समय दीजिएगा। ये आपको वही दिखा रहा है जो मैंने आपको 3,500 की कैलकुलेशन बताई है। ठीक है। तो ऊपर की तरफ आपका लॉस 0 है, निफ्टी कितनी भी ऊपर चली जाए आपका लॉस एक तरीके से 3,500 रुपए के ऊपर हो ही नहीं सकता। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ अगर निफ्टी मंडे को, अगर निफ्टी मंडे को अगर 18,890, अब देखिए यहाँ पे 18,890, 18,750, 18,650 पर अगर निफ्टी आ जाती है मंडे को ही, तब आपका जाके यहाँ पे
2,500 का लॉस दिखाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2,500 का लॉस दिखाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा डेट और टाइम के साथ आगे पीछे करके देखते हैं। इसको मैं 3 दिन बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और मार्केट को मैं पहुंचा देता हूँ 19,700 पे। कितना दिखा रहा है आपका लॉस? 228 रुपये, ठीक है। इसको मैंने 20,000 कर दिया और इसको भी मैंने 7 दिन और बढ़ा दिया। कितना लॉस दिखा रहा है? 931 रुपये, ठीक है। फिर से प्राइस को रीसेट करते हैं, फिर से प्राइस अपनी जगह पर आ गया। अब निफ्टी क्या है, अगले हफ्ते में मान लीजिए 300 का डाउन मूव देती है, अगले हफ्ते में निफ्टी 300 पॉइंट नीचे चली जाती है। 300 पॉइंट मतलब कितना कि 19,000, 19,000 चली गई निफ्टी। और इसको फिर मैं फ्राइडे तक मैं बढ़ा देता हूं, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से स्ट्रेटजी काम कर रही है। तो ये स्ट्रेटजी जो है टोटल और टोटल आपके ऑप्शन के सेल प्रीमियम और ऑप्शन के बाई प्रीमियम पर काम करती है। ये एक तरीके, इसको फुल्ली स्प्रेड नहीं बोला जा सकता, इसको जो है फुल्ली स्प्रेड नहीं बोला जा सकता, बट इसको हम लोग एक सिंथेटिक स्प्रेड बोल सकते हैं, इसको हम लोग एक सिंथेटिक स्प्रेड बोल सकते हैं। और अगर अगर कोई इस टाइप का मूवमेंट आता है कि निफ्टी एक ही दिन में 1,500 पॉइंट ऊपर नीचे करती है, तो अगर निफ्टी एक ही दिन में मान लीजिए ट्यूसडे तक, फिर से हम लोग प्राइस को रीसेट करते हैं, और मान लीजिए अगले हफ्ते में निफ्टी पहुंच गई 20,000, सॉरी 19,300 से 18,300 आ गई, 18,500, 400, 300 आ गई, ठीक है। और अगले हफ्ते में ये इसको हम लोग कर देते हैं फ्राइडे में, इसको हम लोग कर देते हैं फ्राइडे में 14 तारीख को, तब भी कितना आपका लॉस दिखा रहा है? अगर 1,000 पॉइंट का मूव हो जाता है अगले 6 दिन में नीचे की तरफ, तो आपके सामने है रिजल्ट, ठीक है, समझ गए आप। अब फिर से इसको रीसेट करते हैं, फिर से इसको रीसेट करते हैं, एक मिनट, इसमें कुछ विरोधा में चल रहा है, सॉरी सेंसिबल में कुछ चल रहा है, अभी गोल गोल घूम रहा है। एक मिनट दोस्तों, ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा, इसको हम लोग फिर से बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फिर से बनाएंगे। हम लोगों ने किया क्या था, सितंबर मंथ का हम लोगों ने 18,000 का पुट जो है वो सेल किया था 4 लॉट, 18,000 का पुट जो है सेल किया था 4 लॉट मतलब 200 क्वांटिटी, और हम लोगों ने जो बाई किया था वो किया था 19,450 का पुट 1 लॉट, 19,450 का पुट 1 लॉट, यही था, ये बन गई। अब मान लीजिए 19,000 से 19,300, 400, 500 के ही बीच में निफ्टी अगले एक हफ्ते तक रहती है, चलिए फ्राइडे तक मान लेते हैं, फ्राइडे है आपकी 14 तारीख, फ्राइडे तक मान लेते हैं, फिर आपका प्रॉफिट कितना है? 1,200। ये मैं आपको एक लंप सम कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये मैं जो है आपको एक लंप सम कैलकुलेशन बता रहा हूं, इसी के आसपास होगा, 100-200 रुपए आगे, 100-200 रुपए पीछे, इसी के आसपास होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जो लोग ऑफिस गोइंग हैं इस स्ट्रेटजी को आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं और इस स्ट्रेटजी पर आराम से काम कर सकते हैं। हाँ, सेलिंग का है तो आपको ये 1:4 का रेशियो 1 लॉट बाई और 4 लॉट सेल का रेशियो हमेशा मेंटेन करके रखना है यहाँ पे, पहली बात। दूसरी बात कि ये आपको स्लो प्रॉफिट देगा लेकिन बहुत ही सेफ प्रॉफिट देगा, आपको ये स्लो प्रॉफिट देगा लेकिन बहुत ही सेफ प्रॉफिट देगा, पहली बात। आपको सिस्टम पे बार बार देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी एक दिन में 500 पॉइंट अप या 500 पॉइंट डाउन नहीं जाने वाली है,
500 पॉइंट अप या 500 पॉइंट डाउन नहीं जाने वाली है। इस स्ट्रेटजी पर मैं अधिकतर काम करता रहता हूँ और मैंने आप लोगों से बोला भी था कि आप लोगों को मैं एक ऐसी चीज ले आके दूंगा जिससे जो लोग ऑफिस गोइंग पीपल हैं वो अपना एक तरीके से साइड इनकम जनरेट कर सकें और महीने में अपनी कैपिटल का 5% 10% इस टाइप से निकाल सके। क्योंकि अगर आप महीने में अपनी कैपिटल का 5-10% निकालते हो ना, तो उस तरीके से आप साल में कैलकुलेट कर लो, उस तरीके से आप साल में कैलकुलेट कर लो तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये सेफ है, आपको सिस्टम पे हमेशा नहीं बैठना है। तीसरी बात, एक तरीके से इसमें लॉस जो है आपका बहुत ही कम है, क्योंकि इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो, इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो तो आपका एक दिन का ही स्टॉप लॉस 2000 4000 या 6000 होता है। ठीक है, उससे आपको हमेशा बचा के रखेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी भी टाइप का टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है, किसी भी टाइप की टेंशन नहीं है इस स्ट्रेटजी में। और मार्केट आप देखिए, इसका ब्रेक इवन 17541 है। 17541 आपका कहाँ पे आ रहा है? 17541 आपका ये पॉइंट है, यहां पर जब जाएगा एक ही दिन में, एक ही दिन में अगर 17500 मार्केट पहुंच गया तब ये आपको लॉस दे सकता है, नहीं तो आपका लॉस इसमें बहुत ही कम है। और ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये आपकी करंट डे की लाइन है, ये आपकी करंट डे की लाइन है। ठीक है, तो मार्केट जितनी देर तक, अब आप देखिए, अगर मार्केट इस पूरे महीने अगर यहीं पर रह गया तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है? 3000 रुपये। और अगर मार्केट यहां पर इस महीने में ऊपर गया था तो कोई दिक्कत ही, ऊपर गया तो आपका लॉस होना ही नहीं। और अगर इसी महीने में मार्केट 19300 से 19100 आ गया या 18800 आ गया, तब आप देखिए किस तरीके से इसमें काम होगा, बहुत तरीके से काम होगा। और ये स्ट्रेटजी आपको एक मॉडरेट पैसा बना के देगी, आपको एक मॉडरेट पैसा बना के देगी बिना टेंशन के। ऑफिस गोइंग पीपुल ये कतई ना समझें कि ऐसी भी कोई स्ट्रेटजी है ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन सेलिंग में ऐसी भी कोई स्ट्रेटजी है जो उनको रातों रात करोड़पति बना देगी या महीने में 25% या 30% निकाल के दे देगी, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मान लीजिए इसको और बड़े लॉट में आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो आपको जो यहाँ पे है, इसको 200 को यहाँ पे करना पड़ेगा 400, 400 1:4 का रेशियो हमेशा ही इसमें मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा, और इसको आपको करना पड़ेगा 100। इस तरीके से फिर ये काम करेगी आपके लिए, और इसको आप सितंबर तक चला सकते हो, जब तक मार्केट आपकी रेंज में है तब तक आप इसको सितंबर तक इस स्ट्रेटजी को चला सकते हो। और अगर आपको एक मॉडरेट पैसा आने लगे तो आप इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल के अगला कोई बना सकते हो। तो आशा करता हूं ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। इस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, इस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसमें टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, आप वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी आप अपनी क्या कहते हैं क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग अपना ध्यान रखिए। ये वीडियो जो है रात में 2:40 पे ये शूट हो रहा है, आप देखो ये 2:40 पे शूट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। और खासकर जो ऑफिस गोइंग पीपल हैं उनके लिए मैं और भी कुछ नई नई चीजें लाने वाला हूँ, और धीरे धीरे इस पे काम करेंगे। और अभी इसको देखिए, समझिए, ऑप्शन की कैलकुलेशन कीजिए कि इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, और चीजों को सीखना शुरू कीजिए। आप शेयर मार्केट को बुक से पढ़ के नहीं समझ सकते हो, बुक से पढ़ के आप शेयर मार्केट को नहीं समझ सकते हो। जब तक आप इस तालाब में उतरोगे नहीं, तब तक तैरना आपको आएगा ही नहीं।
छोटी छोटे प्रॉफिट से शुरुआत कीजिए और बड़े प्रॉफिट की तरफ जाइए, कंफ्यूजन से कन्विक्शन की तरफ जाइए, कंफ्यूज्ड माइंड से कन्विक्टेड माइंड की तरफ धीरे धीरे बढ़िए। और इसी तरीके से मैंने आपको एक और हेज बताया हुआ है, तूफानी हेज, उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के रनिंग में दे दूंगा, आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।